हम लगभग 100 मीटर की रेंज पर आ चुके हैं और अभी भी जो है हमारा ब्लूटूथ बीडी का माइक जो है इसकी कनेक्टिंग रेंज अभी हमने मैंने जो है आपको दिखाया है तो लगभग 250 मीटर तक। बस के लिए ये जो माइक है बहुत ही अच्छा है, मैं तो यही कहूंगा कि इस माइक को। जय हिंद दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कारपेंटर ग्रुप में। दोस्तों आज की वीडियो में दिखाऊंगा कि अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं जो हमारे पास ये नया माइक है, इसको ये चीपेस्ट माइक है, ब्लूटूथ माइक है, इसी की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा दोस्तों। दोस्तों आज के दौर में इतना कंपटीशन बढ़ गया यूट्यूब पे, आपका वीडियो क्लियर हो या ना हो, ऑडियो आपका क्लियर होना चाहिए, वॉइस एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका जो है ऑडियंस जो है आपका वीडियो देखेगा और उससे क्लियर उसको समझ में आएगा, मज़ा आएगा तभी उसको देखेगा। तो नया चैनल क्रिएट करने के बाद दोस्तों सभी को ज़रूरत पड़ती है एक माइक की, अच्छे वॉइस की। तो दोस्तों पहले मैं जो यूज करता था माइक वो वायर वाला माइक था, जैसा कि बोया M1 अभी देख रहे हैं जो हमने कॉलर में लगाया हुआ है, ये हमारा कॉलर माइक है बोया M1, इसको मैंने परचेस किया था ऑनलाइन। और दूसरा माइक हमने मंगाया है चीपेस्ट माइक, ये जिसको हम अंदर इसमें कॉलर पे लगा सकते हैं, जो दिखने वाला नहीं है और वायरलेस है पूरी तरीके से, तो इसी की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया था जो हमें 814 रुपये का पड़ा हुआ है, और ये हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया, इसकी पैकेजिंग कुछ इस प्रकार से थी, आप देखेंगे तो पूरी तरीके से सेफ्टी के साथ में पैकेजिंग थी, खुलने वाला नहीं था इसलिए हमको इसको काटना पड़ा। और इसके अंदर हमको ये एक बॉक्स मिलता है और इसके अंदर कुछ नहीं है, और जो ये है थोड़ा सा मेन्यू कार्ड भी है इसके अंदर, बाकी ये पूरा डिब्बा जो है खाली है और कुछ नहीं है इसमें। और इसमें इसका जो है अपना बिल मिल जाता है जितने का हमने ख़रीदा है, तो ये हमें पड़ा है टोटल 814 रुपये का पड़ा है, इसका प्राइस जो है 685 रुपये है, कुछ GST वगैरह लगा करके टोटल सारा सब कुछ लगा करके इसमें जो है हमको 814 रुपये का पड़ा है, तो ये इसका बिल है। और अब बात करते हैं इस माइक की, अभी देखेंगे तो इस तरीके से हमको पैकेजिंग मिली हुई है ये, तो ये हमारा ब्लूटूथ माइक है, इसमें इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि VD J21 ब्लूटूथ रिसीवर, ये हमारा VD का J21 मॉडल है और इसमें लिखा है बिल्ड इन माइक और A2DP कुछ ऐसा इसका अपना जो है ऑडियो वाला है सिस्टम जो हमारा जो है गाना वगैरह सुनने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑक्स पोर्ट है इसमें, मल्टी पॉइंट भी है, ऑटो कनेक्ट है, अगर एक बार इसमें जो ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया तो उससे बार बार इसको कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा और फिर से इसमें जो है अपना कनेक्ट हो जाता है। एंड सेकेंड में जो है ब्लूटूथ डिवाइस को खोल लेते हैं और इसके पीछे बैक साइड में देखें तो इसका सारा मेन्यू लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसमें जो है कि कार्ड इसका छपा हुआ है जो शायद गारंटी कार्ड है। अनबॉक्सिंग करने के बाद में दोस्तों इसके साथ में हमको दो केबल मिल जाते हैं, जो एक चार्जेबल केबल है जो ये हमारा चार्ज करने वाला है केबल, कुछ इसको खोल लेते हैं, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा केबल है। और ये थोड़ा सा हमारा एक जैक मिल जाता है 3.5 mm वाला, जिसको अगर हम किसी जैसे हमारा साउंड वगैरह स्पीकर वगैरह उससे कनेक्ट करना चाहें तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं माइक हमारा, तो VD का माइक है कुछ इस प्रकार से, देखने में काफ़ी खूबसूरत है, अच्छा भी है। और इसमें ऑन ऑफ करने के लिए जैसे ये पावर बटन है और 3 बटन इसमें मिलते हैं हमको, एक पावर बटन मिलता है और 2 वॉल्यूम वाले प्लस माइनस, तो इस तरीके से आप फ्रंट में इसे VD लिखा आता है एंड बैक साइड में इसका एक क्लिप है जिससे चिपकाया जाता है इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको इसे केबल लगाने के लिए जो ये आपका जैक वाला केबल है ये इसके लगाने के लिए मिल जाता है 3.5 mm वाला पॉइंट, और यहाँ पर जो ये मिलता है ये चार्जेबल वाला है, तो इस तरीके से जो है मिलता है। और देखते हैं इस बॉक्स में क्या है, ये कार्ड इसके साथ में है, इसको कैसे ऑपरेट करना है सारी चीज़ें इसमें जो है लिखा हुआ है। इसमें जो है पावर ऑन ऑफ बटन है, पॉज और जो है रिज्यूम का ऑप्शन है, कॉल के लिए है, यहीं से आप जो है कॉल रिसीव कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें, तो इसको साइड रखते हैं और देखते हैं क्या है। बाकी कुछ नहीं दोस्तों, इसमें मात्र 3 चीज़ें हैं जो हम लोगों के काम की हैं। अब चलिए दोस्तों इसको जो है कनेक्ट करके दिखाते हैं।
इसको ऑन ऑफ करने के लिए कुछ नहीं, इसको कुछ सेकंड के लिए इसको जो है दबा कर रखना है, फिर अपना इसमें लाइट जलने लगेगी कुछ इस प्रकार से। इसको कुछ सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये जो है अपना इसमें रेड और ब्लू लाइट जलने लगेगी। तो इस तरीके से अपना जो है हो जाता है। अब जो है इसको कनेक्ट करने के लिए हमको कैसे करना होगा, तो चलिए सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाते हैं, फिर दिखाते हैं कि इसको कनेक्ट करने के लिए हमको जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए बताते हैं वो कौन सी एप्लीकेशन है जिससे हमारा ये माइक कनेक्ट होगा तभी हो जाएगा। सभी मोबाइल में दोस्तों एक कनेक्ट नहीं होता है, इसको कनेक्ट करने के लिए एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, तो उस ऐप के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और यहाँ पर ये जो है सबसे पहले तो हम इसको पीछे करते हैं। यहाँ पर आपको टाई अप करना है सिनेमा FV5 लाइट, इस तरीके से ऊपर ही आपका जो है ऐप आ जाता है। तो इसको जो है आपको सिंपल से यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। हमारे में जो है इंस्टॉल है तो ओपन कर लिया था ऐसे ही, तो आप जो इसको इंस्टॉल कर लेना और आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। अभी हम कनेक्ट करके दिखाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि जो है आपको डाउनलोड करना कहाँ से रहेगा। तो ये हमारा माइक है और इसके इस बटन को जो है आपको 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। तो ये हमारा ऑन हो चुका है दोस्तों, में दिन में नहीं रात में हल्का सा लाइट दिखती है, ब्लू और रेड लाइट जलने लगती है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये ऑन हो चुका है, और अभी जो है इसको हम कनेक्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा ब्लूटूथ जो है ऑन था, इसलिए कनेक्ट हो चुका है, डॉट बने हुए हैं। तो अब जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो स्क्रीन पे आपको ये वाला बटन मिल जाता है, ये वाला। तो यहाँ से जो है जैसे ब्लूटूथ आपका कनेक्ट रहेगा तो इस तरीके से ये गोल गोल सा बन जाएगा। अब जो है हम कैमरा को ऑन करते हैं। ये हमारा जैसे कैमरा ऑन होता है, आप देखेंगे इसमें हरी हरी जो लाइन चल रही है, ये हमारे माइक के बोलने से। अगर हम माइक को दूर रखते हैं तो ये कम चलता है, और माइक को अपने मुंह के पास में रखते हैं तो हरा लाइन देखो ज़्यादा पूरा पूरा भर रहा है। तो इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है और इसकी वॉइस जो एकदम परफेक्ट आती है। तो दोस्तों अभी जो इस माइक को अपने मुँह के सामने लगाकर बोल रहे हैं और इसको दूर करेंगे, दूर आप देखेंगे कैमरे के सामने करते हैं तो जो लाइन है वो बहुत ही धीरे चलता है, और नज़दीक में लाएंगे तो पूरा पूरा भर जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों कनेक्ट होता है दोस्तों। और तो चलिए दिखाते हैं कि कितना दूर तक हमारा कनेक्ट रहता है, जाएंगे आउटडोर में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कितने मीटर तक जो है कनेक्ट रहता है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने आउटडोर में। LED का माइक हम अपने कॉलर में लगा लेते हैं इस प्रकार से, और इसको अंदर से भी लगाया जा सकता है, लेकिन अभी हम ट्राई कर रहे हैं तो इसको हम बाहर से लगाएंगे ताकि आपको पता चले कि उसी माइक का ये आवाज है दोस्तों। तो अभी तक इससे पहले जो आप आवाज सुन रहे थे वो हमारा बोया का M1 माइक था, जो ये हमारा कॉलर माइक होता है इस प्रकार से। तो इससे हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है और इसका वॉइस भी परफेक्ट रहता है, लेकिन ये नया माइक है इसको हम आज चेक करेंगे इसका जो वॉइस कैसा आता है, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा या नहीं, या फिर जो लोग माइक खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा या नहीं, तो इसी वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो अभी हम अपने माइक से लगभग 2 मीटर की दूरी पर हैं और इसका जो रेंज है वो 10 मीटर तक यह कनेक्ट कर सकता है दोस्तों। तो अभी 2 मीटर की दूरी पर हैं, अभी हम जो है बाहर जाएंगे और देखेंगे कितना दूरी तक ये जो है कनेक्ट करके रख सकता है दोस्तों। तो पूरा रिव्यू कराएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको हम बाहर जाकर दिखाते हैं कि कितना दूरी तक कनेक्ट करता है। और दोस्तों ये जो हमारे हाथ में VD का J21 माइक है, इसकी आज हम कनेक्टिव रेंज जो है चेक करेंगे कि यहाँ ये जो हमारा कितनी दूर तक कनेक्ट रख सकता है और इसकी वॉइस जो है कितनी दूर तक परफेक्ट आ रही है। तो चलिए दोस्तों अभी मेरे हाथ में है, अभी देख रहे हैं तो पास में रख के बोल रहे हैं, फिर इसको हम अपने शर्ट में लगा लेते हैं इस क्लिप के जरिए से। शर्ट में अपने लगा लिए हैं, अब हम जाएंगे इसमें। यहाँ पर लगभग हमारा काफ़ी दूर तक है, कहीं कितना दूर भी जा सकते हैं, फिर भी हम देखें कितनी दूर तक ये कनेक्ट रख सकता है। तो अभी हम आ गए हैं लगभग 10 मीटर की रेंज पर, और उम्मीद कर दो अभी तो हमारा ये कनेक्ट ही होगा। और अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे, ये हम लगभग अपने जो है कैमरे से 15 मीटर की रेंज में है। 15 मीटर की रेंज में आपको वॉइस आ रही है नहीं आ रही हमको तो पता नहीं है, फिर भी आप बताना। और हम आ चुके हैं लगभग 50 मीटर की रेंज पर अपने माइक से, और दूर जाएंगे हम अभी। अभी तो हमारा माइक कनेक्ट है मुझे ऐसा लग, नब्बे मीटर के लगभग में
और यहाँ पर आप देखेंगे कैमरे से हमारा शक्ल भी नहीं दिख रहा होगा, इतना दूरी पर हम आ चुके हैं और भी जाएंगे। अभी वॉइस हमारा कैसा आ रहा हो, लेकिन फिर भी हम लगभग 100 मीटर की रेंज पर आ चुके हैं और अभी भी जो है हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ है। करीब आधा किलोमीटर तक कनेक्ट रहेगा, 100 से ज्यादा हो गया, 120 मीटर की रेंज पर कनेक्ट है। अभी तो आवाज ही नहीं सुनाई दे रही, अभी भी इनका जो है माइक जो है कनेक्ट हुआ है और हम लगभग आ चुके हैं 150 मीटर। दूर जाएंगे अभी तो आ रही अभी भी 100 मीटर की रेंज पर आज जो ब्लूटूथ माइक है पूरा वॉइस को क्लियर पहुंचा रहा है अपने अपने मोबाइल में। तो अभी हम 200 बस चले आओ रही ना, बस बंद हो गया। आने के बाद में जो हमारा ब्लूटूथ है अपना कनेक्शन छोड़ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से वीडी का माइक बहुत ही पावरफुल है, कम पैसे में जो मिलता है। अब लगभग हमारा 200-250 मीटर की रेंज तक ये जो है कनेक्ट रख सकता है दोस्तों। और वीडी का माइक हम जो कहेंगे कि नए यूट्यूबर्स के लिए जिनके पास कम पैसे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों ये। और तो अपनी शुरुआत अच्छी कर सकते हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है 10-15-20 हज़ार रुपये, तो आप 1,000 रुपये के अंदर में जो 814 रुपये का ये जो माइक मिलता है इससे आप अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। और ये वायरलेस माइक है, बहुत ही अच्छा है। तो ये लगभग आपका 200-250 मीटर तक कनेक्ट रख सकता है, जैसा कि हमने आपको करके दिखाया हुआ है। अभी हम नज़दीक में जा रहे हैं, फिर देखते हैं कैसा है। दोस्तों ये वीडी का माइक जो है इसकी कनेक्टिंग रेंज अभी हमने मैंने जो है आपको दिखाया है तो लगभग 250 मीटर तक ये जो है कनेक्ट रख सकता है, जैसा कि हमको 10 मीटर की रेंज दी जाती है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ये 250 मीटर तक जो है कनेक्ट रह सकता है। और अभी जो इसकी वॉइस आप सुन रहे हैं वो वीडी के माइक का ही है, अलग से मैंने कोई माइक नहीं यूज किया है। और ये बता देते हैं 250 मीटर तक कनेक्ट तो रह सकता है बट वॉइस 250 मीटर में जो है क्लियर नहीं आएगी। अगर 250 मीटर पे जाते हो और वहाँ पर एक जगह पर खड़े होकर बनाते हो तो शायद वॉइस इसकी जो है क्लियर आए, लेकिन इसका जो है कनेक्टिंग रेंज जो है 100 मीटर तक लगभग एकदम परफेक्ट रहता है, क्योंकि 100 मीटर तक कैसे भी आप बनाएंगे तो ये जो है परफेक्ट काम करेगा। और मैंने आपको दिखाया भी है दोस्तों, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए ये माइक जो है बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इससे पहले हमने जो है बोया का माइक जो है यूज किया था, उससे मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबर गेन किए हैं, क्योंकि उसी के अभी तक मैंने उसी को यूज करके सारी वीडियोस बनाई थी। लेकिन अब ज़रूरत पड़ी हमको इस वायरलेस माइक की, क्योंकि हर जगह वो वायर वाला माइक नहीं काम कर सकता, क्योंकि चलते फिरते ब्लॉग बनाते समय ये हमको इस माइक की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। वायर वाला माइक बहुत ही जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है दोस्तों। मैं यही कहूँगा नए यूट्यूबर्स के लिए जितने का आपको जो है वायर वाला माइक पड़ेगा बोया का अमन, उतने का ही यही जो है वीडी का माइक आप खरीद लीजिए, बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों। बस इसको अच्छे से जो केयर करना रहता है, इसको अच्छे से चार्जिंग करना रहता है, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं रहती। एक शेल लाकर डाल दो बस काम ख़त्म हो जाता है उसका, और यूज भी अच्छे से होता है। बस इसको जो है लेकिन आपको चार्ज करना रहता है और जो है बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी जो है ट्राई करके हमने दिखाया है दोस्तों। तो दोस्तों नए यूट्यूबर्स के लिए ये जो माइक है बहुत ही अच्छा है, मैं तो यही कहूँगा कि इस माइक को यूज़ करिए और अपनी वीडियोज़ को अच्छी वॉइस क्वालिटी दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि और भी पावरफुल वीडियो आने वाली है दोस्तों और इसी तरीके के कंटेंट मैं लाता रहता हूं। और हमारा जो है वुड मेन चैनल तो हमारा वुड वर्क का है, उसकी सारी वीडियोज मैं बनाऊंगा इसी माइक से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।